हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर ने वॉक इन इंटरव्यू के जरिए शिक्षक भर्ती निकाली है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए पूर्णतः अस्थायी यानी अंशकालिक संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए चयन सूची पैनल तैयार करने हेतु साक्षात्कार का आयोजन विद्यालय में किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय आवेदन प्रपत्र भरकर प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं छाया प्रति तथा एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ स्वयं के खर्चे पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों। अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पोस्ट देख लेते हैं, कौन से पोस्ट के लिए कब इंटरव्यू है। पीजीटी में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट है। टीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान और पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट हैं। जिसका इंटरव्यू रखा गया है 23 मार्च 2022 को सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। एंड पोस्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, खेल कोच, नर्स, काउंसलर, जिनका इंटरव्यू है 24 मार्च 2022 यानी गुरुवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच पहुँच जाना है। नोट में देख लेते हैं, आवेदन प्रपत्र, योग्यता इत्यादि हेतु विद्यालय की वेबसाइट muzaffarpur.kvh.ac.in का अवलोकन करें। संजीव कुमार सिन्हा, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर के प्राचार्य हैं, उन्हीं के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। तो अगर आप भी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्द हम एक नए वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।